बड़ी खबर इस वक्त यही है, इस समय किसानों और सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत लगातार जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज कुछ समाधान निकल जाए। एक तरफ जहां किसानों को कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं आपको बताते चले पंजाब के लोक और पॉप गायक भी बढ़ चढ़कर किसानों के समर्थन में गीत रच रहे हैं और उन्हें यूट्यूब पर भी खूब देखा जा रहा है। ये गाने किसानों के आंदोलन में जान फूंक रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान, देश के जाने माने सिंगर जुड़े हैं। उनका तारुफ पर्चे आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रब्बी शेरगिल जी हैं, हमारे साथ जसपिंदर नरूला जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मीत ब्रदर्स से मनमीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जसपिंदर नरूला जी आपसे ही करते हुए, आप तीनों लगातार समर्थन कर रहे हैं किसानों का, आज उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम पांचवें दौर की इस बातचीत में कुछ समाधान निकल जाए, लेकिन आपका समर्थन किसानों को कैसे हासिल है और किस तरह से आप अपनी आवाज बुलंद करेंगी किसानों के समर्थन में? जी चित्रा जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और हमारे पूरे मुल्क को जो है ये लोग मेहनत करके सारे साल और हम लोगों को खाना मिलता है, हमें अनाज मिलता है और ये बहुत जो भी मुद्दा ये चल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना समय क्यों लग रहा है। मुझे तो मैं यही कहूंगी नटशेल कि मैं दोनों तरफ के जो पार्टीज हैं मैं उनको कहूंगी कि हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि कोई इतना ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको हम रिजॉल्व ना कर पाए। हमारी गवर्नमेंट से खास मैं अपील करती हूँ कि प्लीज इनकी सुने, क्योंकि इतना मेहनत करके ये लोग हम लोगों के लिए ये सब पैदा करते हैं और फिर उनकी बातें अगर हम नहीं सुनेंगे उनको कहीं ना कहीं तो उनको जो है थोड़ा जो है उनका समर्थन जो है करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं ठीक करवाती हूँ, तुरंत आवाज मुझे भी इको कर रही है, इसको ठीक किया जाए जल्दी से। जसविंदर नरूला जी का भी, मनमीत सिंह जी अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए कुछ लाइनों के जरिए, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप लोग भी बिल्कुल अलग अंदाज में इन किसानों के समर्थन में, और यकीनन गायकी में वो जो ताकत होती है उसका कहीं काट नहीं होता है और उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनी जाती है, तो आप किस तरह से किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए जैसा जसपिंदर दीदी ने बोला है कि किसान कितने इंपॉर्टेंट है, हमारा देश तो एक्चुअली हमारी रीढ़ की हड्डी ही एग्रीकल्चर है और इससे ही हम जाने जाते हैं। हम आज जो भी हैं, आज कितना बड़ा रोल उसमें हमारे विलेज, हमारे पूरे जो फार्मर्स हैं वो प्ले करते हैं। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा एक सिचुएशन में हम लोग हैं जहाँ पे मुझे मालूम है, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पे कि जो एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा है वो खत्म होगा और हमारे फार्मर्स के बारे में सोचा ही जाएगा, क्योंकि उनके बिना तो हम लोग कोई कुछ भी नहीं है। चाहे हम बम्बई में बैठ के म्यूजिक बनाए या हम वहाँ पे हैं, तो हमारे फार्मर्स जो हैं वो सोने दें, हमारा गाना था जैसे बेबी डॉल है सोने दी, तो हमारे फार्मर्स हैं तो उनके लिए लाइन यही है कि ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ साडे फार्मर्स सोने दे, ओ साडे फार्मर्स सोने दे। तो ये बात है, हमारे फार्मर्स जो हैं वो सोने के हैं, वो दिन रात एक करके वो हमारे देश का पूरा अनाज पैदा करते हैं। तो आई थिंक हम लोग इसीलिए इतना ज्यादा इतने वरिड हैं क्योंकि हम लोग एंसेस्टर्स, हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं हर जगह फार्मर्स हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, शायद यही वजह है कि मौके की गंभीरता को सरकार भी समझ रही है, क्योंकि लगातार किसानों का समर्थन, बॉलीवुड के भी तमाम खासतौर से जो पंजाबी गायक हैं या पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनका समर्थन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब मैं रब्बी शेरगिल जी सीधे आपका रुख करते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है उस पर, और आप किन लाइनों के जरिए अपना समर्थन करते हैं किसानों को? देखिए मैं म्यूजिकल लाइंस की बजाय मैं चाहूंगा कि मैं उनके जो कुछ मुख्य बिंदु हैं मैं आप तक ले आऊं, और मैं भी कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, जो भी मैंने समझा है सियाने लोगों से समझा, उनकी सोबत में सीखा है, मैं आपके जरिए देश को बताना चाहूंगा कि कम से कम पंजाब के अंदर 35% जो किसान है वो 2 एकड़ 2.5 एकड़ से कम वाला किसान है, 35%, और पूरे देश में ये प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 35% किसान जो है वो 8% जमीन के ऊपर खेती करता है, और उस अगर आप ये वाले बिल ले आएंगे, अगर आप मंडी बाईपास करेंगे तो वह 35% किसान जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे, उनके पास खुदकुशियां और अपने गांव से हिजरत करने के अलावा और कोई चारे नहीं बचेंगे।
मंडी जो है ये हमारे देश की लोकतंत्र का एक छोटा मॉडल है, एक छोटा प्रतीक है। अगर पार्लियामेंट हमारे लिए जरूरी है तो उसी तरह से मंडी जरूरी है। मंडी के अंदर अगर कुछ भ्रष्ट आचार हम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी संस्था को ही हम बाईपास करना शुरू कर दें। तो कल को क्या हम पार्लियामेंट को भी बाईपास करेंगे? कल को क्या हम और जो हमारी जमहूरी हमारे जमहूरी अदारे हैं, क्या हम उनको भी बाईपास करेंगे? मैं देश के सामने किसानों का पक्ष रखना चाहता हूं। ये एक केंद्रीयकरण और संघवाद का मुद्दा है, ये निज हित और सामूहिक हित की लड़ाई है। मैं चाहूंगा देश इसके प्रति संजीदा हो, संवेदनशील हो। जी, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी गायकी के जरिए सामाजिक मुद्दों को आपने जिस तरह से जीवित किया, जिंदा किया, और उसका दूर तलक असर भी देखा गया, तो कुछ कुछ वो लाइनें भी जरूर हो जाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाहे किसानों का मुद्दा हो, किसानों के ऊपर भी बहुत सारे गाने बने हुए हैं, और आप लोग चूंकि उसी जगह से ताल्लुक रखते हैं, आपकी आवाज उसी लिहाज से सुनी जाती है, तो कुछ ऐसी लाइनें जो हमारे दर्शकों तक, किसानों तक आप पहुंचाना चाहें। मैं आपने मुझे मौका दिया। इस वक्त मैं हमारे जो कवि हैं डॉक्टर हरभजन सिंह, दिल्ली के, अपना दिल्ली के रहने वाले थे, पंजाब से उनका वास्ता था, दिल्ली और पंजाबी साहित्य के टैगोर माने जाते हैं, तो उनकी कुछ चंद सत्रे मैं आपको सुना देता हूँ। ये उनकी कविता है जिसका नाम है जाले जाले जाले। जाले 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 ओए, जाले जाले जाले, जाले 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 ओए, जाले जाले जाले, मेरे ते मैं तेरे ते, बैठ गए जदों पैर, कौन किसे तू रस्ता पूछे, किन राह वखाले, ओ जल जल जाले, ओ जल जल जाले, ओ जल जल जाले, जल जल जाले, ओ जल जल जाले। जी शानदार, कुछ और लाइनें जरूर हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि गीत संगीत में आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की ताकत होती है। लेकिन जसपिंदर जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, उम्मीद है कि जो तकनीकी दिक्कत थी वो जरूर दूर हो गई होगी, आप क्या कुछ सुनाना चाहेंगे ताकि आपकी आवाज भी किसानों तक पहुंचे? और हम देख भी रहे हैं लगातार 10 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, अपने परिवार के साथ भी हैं, वहां पर भी गीत संगीत खूब बजता है और खूब जोश में आके अगले दिन फिर से आंदोलन की एक नई शुरुआत की जाती है, तो आप किन लाइनों के जरिए इस आंदोलन को अपनी आवाज देंगी? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, जहाँ हमारी धरती, हमारा भारतवर्ष सोना उगलता है, वो सोना मतलब जो हमारी फसल है, हमारी पैदावार है, वो सोने की तरह है, और उसको उगाने वाला, उसे पैदा करने वाला अगर खुश नहीं है तो ये बहुत दुख की बात है। मैं अपील करती हूँ एक बार फिर हाथ जोड़कर अपनी गवर्नमेंट से कि प्लीज उनकी मांगों को सुने और उनको पूरी तरह से उनका समर्थन कीजिए, ताकि हमारे यहाँ किसी तरह की भी फिर कोई मुश्किल ना हो, हमारा कोई किसान मतलब मुश्किल में ना पड़े, कोई सुसाइड ना करे, इस तरह की चीजें ना हो, और वो खुशी खुशी पैदावार, और हमारे पूरे जो भारतवर्ष ने कितना बाहर, देखिए हम जाते हैं और मेड इन इंडिया जब पढ़ते हैं हम लोग, और हमारी फसल यहाँ से, चावल क्या और कनक क्या और क्या क्या जाता है यहाँ से, तो देख के हमें खुशी होती है कि देखिए हमारा हमारा भारतवर्ष जो है वो कैसा, कैसी चीजें पैदा करता है, कैसी पैदावार है, तो उसके लिए ये सारा श्रेय हमारे किसानों को जाता है। तो मैं फिर से कहूंगी कि प्लीज प्लीज ये जल्दी रिजॉल्व कीजिए, बैठकर उनके साथ उनकी बातों को सुनिए और ये
जो भी कुछ हो रहा है उसका एक जो है निकाल के एक निष्कर्ष पे पहुंचे और उसका उस रिजोल्व कर दें जल्दी से। पूरे 24 घंटे सातों दिन लगातार किसान लगा रहता है, तभी हम और आप जैसे लोग अपने अपने घरों में रोटी खा पाते हैं। यकीनन किसानों की जो डिमांड है, जो उनकी परेशानियां हैं, बीज का कोई रास्ता निकलना चाहिए और लगातार सुलह की दिशा में आगे रास्ते भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पांचवें दौर की बातचीत के जरिए भी कुछ ठोस समाधान निकल नहीं पाया है। ऐसे में मनमीत जी, अब मैं आपका सीधे रुख करते हुए, चूंकि लगातार आंदोलन ये जारी है, वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अब कलाकारों के बीच आपस में किसानों के मुद्दे पर भी दो अलग अलग राय देखने को मिली है। जिस तरह से दिलजीत सुजान दोसांझ और कंगना रनौत के बीच हम सब ने देखा कि ट्विटर पे कैसे वॉर छिड़ गया और उसके बाद पंजाबी ज्यादातर गायक दिलजीत के समर्थन में आकर खड़े हो गए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है, क्या ये गैर जरूरी थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी और बेवजह ये क्रिएट हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि बेवजह क्रिएट हुई है, क्योंकि ये तो बहुत सालों से इसका प्रयत्न चल रहा था कि मिडलमैन को बीच से हटाया जाए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि थॉट अच्छा है और उस पे ध्यान दिया गया, लेकिन एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, जो तरीका है और जो उसमें जो डिटेलिंग, देखिए कुछ भी चीज होती है वो डिटेलिंग होती है, उसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि इस तरह की इनसिक्योरिटी पैदा ना हो फार्म्स में कि कल वो उनको ऐसा लगे कि हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर में दिक्कत है और इसलिए मेरे को पूरा यकीन है कि ठीक हो जाएगा, कि थॉट प्रोसेस अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है, लेकिन कभी कभी करने का तरीका उतना वेल थॉट नहीं होता है, तो वो हो जाएगा। तो मेरे को लगता है बीच का रास्ता बहुत अच्छा निकलेगा। और एक नया दौर फिल्म का जो गाना था, जो मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, ये देश है वीर जवानों का, मैं और किसानों को डेडिकेट करना चाहता हूँ थोड़ा सा चेंज करके उसको जी। ये देश है वीर किसानों का, खेती करते किसानों का, इस देश का यारो, ओ इस देश का यारो क्या कहना, तो इस देश का क्या कहना है। और ये सिर्फ समय की बात है जो इस तरह की ये जो दिक्कत आ रही है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बहुत काबिल सरकार है और इवेंचुअली वो समझते हैं कि फार्मर्स का रोल क्या है हमारे देश में, उसको नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल नजरअंदाज कर नहीं सकता और यकीनन कोशिशें भी उसी दिशा में की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर रबी शेरगिल जी, लगातार कोशिशें जारी हैं लेकिन बीज का कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है। कहा जा रहा है कि एक कदम आप झुके, एक कदम सरकार झुके, तभी बीज का कोई फॉर्मूला निकल पाएगा, लेकिन यहाँ पर तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो ऐसे में सुलह किस दिशा में होगी? और आपने तो हाल ही में आपने कहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट से आपने इस बारे में बातचीत भी की है, क्या समझ में आया सर? देखिए इसके बारे में देश को ये जानना जरूरी है कि इस वक्त, इस महामारी के वक्त, इस तरह से चुपचाप इन बिलों को लाने की जो कोशिश की गई है, ये इसके बारे में शक पैदा होती है, इसके बारे में जो लाने वाले हैं इनकी नीयत के बारे में शक पैदा होता है। मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर जितने भी मैंने बिल्स पढ़े उसके अंदर एक ही चीज मेरी समझ में आई है, और वो भी एक छोटा सा फायदा है किसानों का, कि जो एक्सपोर्ट हैं उनके ऊपर जो बैन लगे हुए हैं वो हट जाएंगे, मतलब कोई भी किसान कर पाएगा। पर आपके मार्फत मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि ये एक अनरियलाइजेबल ड्रीम है, जिसके पास खेती करने के पैसे ही नहीं है वो कैसे अपने खाने को उसकी छटाई करेगा, उसको संवारेगा, उसके ऊपर जो भी WTO की ट्रीटी के अंतर्गत जो भी उसका उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है वो कैसे करेगा, ग्रेडिंग कैसे करेगा, पैकिंग कैसे करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करके कूरियर कैसे करेगा। सिर्फ ये एक चीज मेरे को समझ में आई कि इस बिल के अंदर किसानों के भले की बात की गई है, पर वो एक ऐसी है जो हो ही नहीं सकती है। तो जो हल है वो मेरे ख्याल से जो हमारे किसान भाई हैं जो इस समस्या से रोज जूझते हैं वो इसकी निटीग्रिटी से, वो इसके फाइन प्रिंट से अच्छे से वाकफ हैं, और मेरे ख्याल से सरकार को भी समझ में आ गई है कि वो केवल और केवल कोई दंगा या पंगा करने की नीयत से नहीं आए हैं, वो वाकई अपने खदशे के कारण आए हैं, वो अपनी चिंताओं के कारण आए हैं। और जो अन्नदाता है इसकी चिंता होनी चाहिए, देश जो है ये कृषि उसकी रीढ़ है, हमारे भाई ने भी पहले कहा, और केवल रीढ़ ही नहीं है, ये देश तो बना ही इसके एक इसकी एक मेमोरी से है। कृष्ण जो है वो कृषि से आते हैं, माँ सीता जो है वो राजा जनक एक किसान की बेटी हैं, और आप देख लें ये जो इस देश का जो ढांचा है वो एक कृषक समाज ने इस देश की रचना करी है, इसकी सृजना करी है जी। और मुझे लगता है कि हम अमेरिका नहीं है कि जहां एक कंट्री पहले आई और फिर एक फार्मिंग कम्युनिटी बाद में आई, हम पहले एक कृषक समाज थे और फिर हमने ये देश सृजा है।
जो जो देश को जिन्होंने देश का सृजन किया है उनकी फिक्र उनकी चिंताएं जो वाजिब चिंताएं हैं उनका निवारण करना। देश को सिंचित करने वाले किसानों की आवाज सुनी जाएगी और आप लोग अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे क्योंकि गीत संगीत में जो ताकत होती है उसकी दस्तक कहीं दूर तलक सुनाई देती है। इस उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज तक में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपको बताते चले किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। इस बातचीत से क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा, इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है।